हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ नमक पारे की रेसिपी। और ये बहुत ही आसान और इजी रेसिपी है। आप जब भी मन करे नमक पारे घर पर ही बनाएं, बिल्कुल टेस्टी खस्ता करारे नमक पारे बनेंगे और बिल्कुल हलवाई जैसे होंगे। और जो नमक पारे होते हैं वो चाय के साथ खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं और एक स्नैक्स के रूप में बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो चलिए बनाते हैं नमक पारे। और इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, एक बाउल लेना है। जिस सबसे पहले नमक पारे के लिए हम आटा गूंदेंगे। तो यहाँ मैंने 2 कटोरी जो है मैदा ले लिया है और अब मैं सबसे पहले इसमें 1 चम्मच नमक ऐड करूँगी। नमक हमें कम ही ऐड करना है क्योंकि ज़्यादा नमक वाले शक्कर पारे अच्छे नहीं लगते। उसके बाद मैं इसमें 1 चम्मच अजवाइन ऐड करूँगी और उसको इस तरीके से हाथ से पीस कर ऐड करेंगे। अजवाइन जो है हमारे पेट के लिए तो अच्छी रहती ही है, साथ में नमक पारों को खुशबू और टेस्ट भी अच्छा देती है। तो उसके बाद मैं यहाँ पर तकरीबन 1/2 कटोरी जो है तेल ऐड करूँगी। आप चाहें तो घी भी ऐड कर सकते हैं। और इसको फिर आटे को अच्छे से हम मिक्स करेंगे हाथों से। तो ये देखिए, मैंने अच्छे से हाथ साफ़ कर लिए हैं और इसको इस तरीके से जो मोइन है उसको मैं आटे में अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब हमारा मोइन ठीक है या नहीं ये चेक करने के लिए हम ऐसे मुट्ठी बनाकर देखेंगे। अगर मुट्ठी ठीक से बन रही है तो हमारा मोइन ठीक है, वरना आप थोड़ा सा तेल इसमें और ऐड कर लीजिएगा। तो उसके बाद अब इसमें धीरे धीरे हम पानी ऐड करेंगे और नमक पारे के लिए आटा लगाएंगे। एकदम से हमें पानी ऐड नहीं करना है वरना हमारा आटा जो है वो पतला हो जाएगा। इसी तरीके से धीरे धीरे हम ऐड करेंगे। तो ये देख, हमारा आटा जो है गूंद कर तैयार है। हमें ये जो आटा है ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा टाइट गूंदना है। इसको हमें जैसे रोटियां बनाते हैं उसके जैसा हमें इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है। तो ये बिल्कुल हमारा सॉफ्ट गूंदा है। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। तो अब देखिए, तकरीबन 10 से 15 मिनट के बाद हमारा आटा जो है काफ़ी सॉफ्ट हो चुका है। अब इसमें से हम एक मीडियम साइज़ लोई बना लेंगे क्योंकि हम उतनी ही मटर बेलेंगे जितनी हम एक बार में फ्राई कर सकें। तो ये देखिए, मैंने एक मीडियम साइज़ लोई ली है और अब मैं इसको लंबा लंबा बेल लूँगी। आप चाहें तो किसी भी शेप में इसको बेल सकते हैं। मैंने इसको इस तरह से रोटी की शेप में ही बेला है और इसको हमें थोड़ा सा पतला ही बेलना है क्योंकि हमारी जो नमक पारे हैं वो फ्राई होकर थोड़ा सा उनका साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये देखिए, इसमें कितने अच्छे से जो हमारी अजवाइन है वो नज़र आ रही है और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगती है। तो ये देखिए, मैंने इसको पतला बेल लिया है बिल्कुल। और अब मैं चाकू की हेल्प से इसको लंबे लंबे स्ट्रिप में इसको काट लूँगी। आप चाहें तो आपको जिस भी शेप में पसंद है आप उस भी शेप में बना सकते हैं नमक पारे, लेकिन बाज़ार में इसी शेप में मिलते हैं तो मैं इसी तरीके से इस पतली पतली स्ट्रिप काट लूँगी। अब हमने इधर ये जो है स्ट्रिप काट ली हैं। अब हम दूसरी तरफ से भी चक्कू की हेल्प से जितनी भी हमें नमक पारों की लंबाई चाहिए उतनी लंबाई में हम इनको काट लेंगे। आप चाहें तो इनको और भी छोटा कर सकते हैं। तो ये देखिए, हमारे जो नमक पारे हैं वो कट कर तैयार हैं। अब हम इनको किसी भी बर्तन में निकाल लेंगे। आप ऐसे ही निकाल लीजिए। अगर आपको ऐसे लग रहा है कि ये चिपकेंगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इनको निकालेंगे और जब फ्राई करेंगे तो ये बिल्कुल अपने आप अलग अलग हो जाएंगे। अभी आप इनको एक साथ ऐसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखिए, मैंने एक प्लेट में इनको एक साथ निकाल लिया है और एक कढ़ाई में मैंने पहले से ही तेल को जो है गर्म होने के लिए रख दिया था। हमारा तेल जो है गर्म हो चुका है। इसके लिए हमें ज़्यादा तेज गर्म तेल नहीं चाहिए, हल्का गर्म होना चाहिए। तो अब मैं इसमें अपने नमक पारे डालकर फ्राई करेंगे। तो ये देखिए, मैंने जो इकट्ठा हो रखे थे आपको ऐसा लग रहा होगा चिपके हुए थे, वो बिल्कुल अब देखिए धीरे धीरे कैसे अपने आप फ्राई होंगे तो अलग हो जाएंगे। इसमें मैंने एक साथ डाल दिए हैं और गैस की जो आंच है हमें मीडियम टू लो ही रखनी है। ज़्यादा तेज अगर हम करेंगे तो हमारे नमक पारे जल जाएंगे। तो हमें धीमी धीमी आंच पर इस तरीके से इनको पलट पलट कर सेकना है धीरे धीरे। और ये देखिए, हल्का सा हमारे नमक पारों में ब्राउन कलर आना शुरू हो गया है। और जब तक ये कम्प्लीटली सारे ब्राउन नहीं हो जाते हमें तब तक अपने नमक पारे सेकने हैं। तो ये देखिए, हमारे जो नमक पारे हैं वो फ्राई हो चुके हैं। तो अब इनको हम किसी प्लेट में या टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे। तो ये देखिए, बिल्कुल कितना सुंदर कलर आया है, ब्राउन कलर आया है और ये बहुत ही खस्ता और क्रिस्पी बने हैं। और ये देखिए, मैं आपको और पास से दिखाती हूँ बिल्कुल कैसे पपड़ी इनमें निकली हुई है। जैसे हलवाई के वहाँ पर पपड़ी निकलती है तो बिल्कुल वैसे ही बने हैं। तो आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। और मैं आपसे दोबारा मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।